आप कौन होते हैं उनका हिसाब लेने वाले भाई? आप होते कौन हैं क्या आप उनका सर्वे कराएंगे? अरे भाई, जो प्राइवेट मदरसे हमारे 2.5% की ज़कात पर चलते हैं, आप कौन होते हैं उनका हिसाब लेने वाले भाई? तो मैं मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह का नोटिस जो भी लेकर आए उसको 2009 का वो कानून दिखाइए और चप्पल जूतों से उनका स्वागत कीजिए। सर, मदरसे मान्यता प्राप्त होते ही नहीं हैं, सरकार से हमारा क्या लेना देना, हमें कुरान पढ़ाना है। उसमें बिल आया था कांग्रेस हुकूमत में जब कपिल सिब्बल एजुकेशन मिनिस्टर थे, और उन्होंने इसमें सभी मदरसास को शामिल कर लिया था, लेकिन जमीयत उलमा हिंद की एक रिट पर जो है मदरसों को और पाठशालाओं को और जो इस तरह के प्राइवेट इदारे हैं जो चंदे से चलते हैं, उन तमाम को अलग कर दिया गया था। तो ये बेवकूफ़ लोग हैं जिनको संविधान का, कानून का कोई ज्ञान नहीं है, जो ये लोग ये कहते हैं कि साहब प्राइवेट मदरसे भी। अरे भाई, जो प्राइवेट मदरसे हमारे 2.5% की ज़कात पर चलते हैं, आप कौन होते हैं उनका हिसाब लेने वाले भाई? आप होते कौन हैं क्या आप उनका सर्वे कराएंगे कि साहब चंदा कहाँ? मैं बता रहा हूँ ना कि मैं ज़कात देता हूँ 2.5%, मेरी ज़कात से चलता है मदरसा। जितने भी मदरसाज हैं जिनमें कुरान की हदीस की तालीम होती है, वो सिर्फ 2.5% की ज़कात पर चलते हैं, उनका कोई कहीं से कोई किसी तरह का वो नहीं है। हाँ, आपके जो मदरसाज हैं जो लीगल एड लेते हैं सरकार से, आप कराइए उनका सर्वे, उनका आधुनिकरण कीजिए, उनमें दुनियावी शिक्षा दीजिए, उनमें जो चाहे आप कीजिए, ये आपका अधिकार है। लेकिन आप कहें कि साहब हम जो है प्राइवेट मदरसों का भी करेंगे, तो मैं मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह का नोटिस जो भी लेकर आए उसको 2009 का वो कानून दिखाइए और चप्पल जूतों से उनका स्वागत कीजिए। सर, मदरसे मान्यता प्राप्त होते ही नहीं है, सरकार से हमारा क्या लेना देना, हमें कुरान पढ़ाना है, उसमें हमें हदीस पढ़ानी है, उसमें हमें इमाम पैदा करने हैं, कुरान पढ़ाने वाला हाफिज़ पैदा करने वाला, हदीस पढ़ाने वाला मौलवी पैदा करना है, हम क्यों लेंगे सरकार से? जब हमारे संविधान ने, देश के संविधान में हमें ये कहा है कि अपने मज़हब पर आज़ादी के साथ अमल करने की और उसका प्रचार प्रसार करने की आपको इजाज़त, हम क्यों लेंगे भाई आपसे इसके लिए परमिशन कि हम कुरान पढ़ाएँगे नहीं पढ़ाएँ, हम हदीस पढ़ाएँगे नहीं पढ़ाएँ? हम पागल हो गए? हमें संविधान का ज्ञान नहीं क्या? जो जिन लोगों को संविधान का ज्ञान नहीं है वो इस तरह की बेहुदा बेतुकी बातें कर रहे हैं। 70-75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, मदरसे आज तो खुले नहीं हैं। मदरसे जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से मदरसे चल रहे हैं, और ये मदरसे की ही देन है आज़ादी। जमीयत उलमा हिंद जो है ये मदरसों की ही देन है, मदरसों में पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर जंगे आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। मदरसों का बैकग्राउंड बहुत बहुत पुराना है। आप आज कहने लगे, जब आपकी सरकार आई, जब आपने हिंदुस्तान के अंदर सरकार बनाने के बाद कोई एक ऐसा अच्छा काम नहीं किया जिसको लेकर आप पब्लिक में जा सकें, तो आप मदरसों में पहुंच गए। इससे बुरा और घिनौना काम क्या हो सकता है कि साहब मैं नमाज़ पढ़ रहा हूं घर के अंदर और मेरी अरेस्टिंग हो जाए, मुझ पर FIR हो जाए? इस देश के अंदर संविधान को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है इन लोगों ने, बालाए ताक रख दिया है, संविधान को नहीं मान रही है ये सरकार। मान्यता प्राप्त वो है जो सरकारी एड से मदरसे चलते हैं, और गैर मान्यता प्राप्त वो होता है जिनमें सिर्फ कुरान की हदीस की तालीम दी जाती है, जिसमें हम अपने इमाम पैदा करते हैं, हम अपने कुरान पढ़ाने वाले पैदा करते हैं, हदीस पढ़ाने वाले पैदा करते हैं। उसके लिए ना हमने सरकार से पहले इजाज़त ली है, ना हम इजाज़त लेंगे, क्योंकि संविधान हमें इजाज़त देता है। मैं कहता हूँ जो मदरसे धार्मिक एजुकेशन देते हैं, चाहे वो गुरुकुल हों या मदरसे हों या किसी भी समुदाय के किसी भी मज़हब के मानने वाले के मदरसाज हों, उनकी कोई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, कोई सर्वे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे देश का संविधान मुझे इसकी इजाज़त देता है। आप या तो संविधान में चेंजिंग लाइए, आप कहिए कि आपको अपने धर्म के प्रचार प्रसार की उस पर अमल करने की इजाज़त नहीं है, फिर आप सर्वे कराइए, और आप एक सर्कुलर जारी कीजिए कि जो भी मदरसा खुलेगा हमारी इजाज़त से खुलेगा। और ये सर्वे नहीं, देखिए जब सर्वे शुरू होगा, अभी मैं बहुत सवल कर ये बात कह रहा हूँ कि मुसलमान बर्दाश्त बहुत कर रहा है, बहुत बर्दाश्त कर रहा है। मुसलमान जिस दिन अपने अधिकारों के लिए उठ खड़ा होगा संविधानिक रूप से, फिर ये सरकार अपने आप को बचा नहीं पाएगी।